इंदी पिंदी रवाल पिंडी और रोम को कहता हूँ जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बॉलीवुड की मशहूर गाना याद आता है मुझे, आएगी 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 24 के बाद लुप्त कांग्रेस याद आएगी। 24 के बाद यही होने वाला है। अब ममता दीदी बोलती है राहुल जी के बारे में, छोटो बच्चा, एतुटुकु बच्चा, छोटो बच्चा। लालू कहते हैं, लालू जी कहते हैं बबुआ। नीतीश जी कहते हैं अरे नन्हा सा बालक। और उसके साथ साथ मायावती कहते हैं ये तो पता नहीं है कि क्या है, ये तो सच्चाई है। और जनता तो क्या कहते हैं, सबको पता है गुड्डा गुड्डी हमारे देश में है, लाजवाब एंटरटेनमेंट करते हैं। जो लोग अंधे हैं ना, जिन लोगों ने तय कर लिया कि हमें तो धृतराष्ट्र ही बनना है, गांधारी ही बनना है, उनको दिखाई नहीं देता है कि मोदी जी ने तमिलनाडु में जाके कितने सारे डेवलपमेंट का बौछार किए हैं, लक्षद्वीप में कितने सारे बौछार किए हैं, केरल में कितने सारे बौछार किए हैं। ये लोग कहते हैं कि केवल भाजपा प्रदेश में विकास हो रहा है। मैं पूछता हूं इंदी पिंदी रवाल पिंडी से, तमिलनाडु क्या भाजपा प्रदेश है? केरल क्या भाजपा प्रदेश है? लक्षद्वीप क्या भाजपा प्रदेश है? अरे सच्चाई को देखने का अगर नजरिया नहीं है और ठान लिए हो कि देखना ही नहीं है, तो भगवान राम भी आपका कुछ नहीं कर सकते, आप कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्प आप लोग देश की कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की कर सकते हैं। मेरे मन में आज ये सवाल आया कि ये दीदी और अधीर रंजन चौधरी वाला जो शुरू हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो मुझे लगा ये बौखलाहट इसलिए तो नहीं है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर इन लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया है।